विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर वास्तविक संख्या की सामान्य जानकारी पढ़ी थी। उसके अंदर वास्तविक संख्या क्या है और फिर यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सब जानकारी हम लोगों ने है वो पिछले वीडियो के अंदर जानकारी। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है वो एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी जानकारी हम लोगों ने देखी थी। तो अब कक्षा दसवीं विषय गणित, अब हम वो प्रश्नावली 1.1 के अंदर आते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब हम लोगों को पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अंदर जब शेष पर शून्य आता है तो वहाँ हम लोगों का वहाँ b का मान होता है वो एचसीएफ होता है। तो आप देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय था a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a और b दो कोई पूर्णांक थे और a का मान है वो b से हमेशा बड़ा होगा, तो हमें वो भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। अब देखिए 135 और 225 के अंदर बड़ा कौन है, 225 है, तो a बराबर 225 हो गया और b बराबर 135 हो गया। तो यहाँ 225 लिख दिया बराबर, यहाँ b है, b कितना लिख दिया 135 इंटू, अब 225 के अंदर 135 का भाग देंगे, 225 135, तो एक बार गया और शेष पल है वो कितने बच गए, 90 बच गए। तो यहाँ 135 इंटू ये जो है भागफल यहाँ लिखेंगे और प्लस शेष पल, तो यहाँ r का मान है वो 0 के बराबर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वो अगले चरण में जाएंगे। तो चरण क्रमांक 2, इसके अंदर a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, ये देखना। तो ये जो यानी प्रथम चरण के अंदर b का मान है वो a हो जाएगा और जो शेष पल बचा है वो आपका b हो जाएगा। अब देखिए 135 क्योंकि यही रहेगा बराबर 90, तो 135 के अंदर 90 का भाग देना है, एक बार गया, शेष कितने बच गए, 45, तो ये q का मान 1 हो गया, r का मान 45, इसमें भी r का मान है वो शून्य के बराबर प्राप्त है नहीं हुआ। तो हम है वो अगले चरण में जाएंगे। तो चरण 3, अब देखिए a का मान और b का मान यहाँ से प्राप्त करेंगे, तो a का मान तो कितना हो गया 90 और b का मान कितना हो गया 45, यानी प्रत्येक चरण में यही प्रक्रिया चलेगी आपकी। तो यहाँ हो गया 90 बराबर 45, तो 90 के अंदर 45 का भाग दे देंगे, तो दो बार गया 90 0 इंटू 2 प्लस शून्य। तो यहाँ देखिए हम लोगों को शेष फल कितना प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, शेष फल शून्य प्राप्त हुआ। अतः इसका एचसीएफ है, तो इसका यदि एचसीएफ मैंने क्या बताया, जब शेष फल जहाँ शून्य आता है उसमें b का मान है वो उसका एचसीएफ होगा, तो इसमें एचसीएफ का मान आप लोगों को कितना प्राप्त हो गया, यानी 45 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हम है वो एचसीएफ ज्ञात करते हैं।
हालांकि ऐसी अब ज्ञात करने की और भी विधियां हैं, यानी अब्बाजी गुणनखंड विधि से है, तो परंतु परीक्षा के अंदर जिस विधि से कहते हैं उस विधि से हम लोगों को सवाल करना होता है। तो यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहा है तो इसी से हम लोगों को सवाल करना है। अब देखिए इसका दूसरा सवाल है, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां क्यू एक पूर्ण तो है वो पूर्णांक है। अब देखो विषम पूर्णांक है तो हम लोगों ने देखा है कि विषम संख्या जो 2 से है वो विभाजित नहीं होती है। तो अब इस सवाल को कैसे सरल करते हैं, तो माना कि ए एक धनात्मक विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यदि धनात्मक विषम पूर्णांक है ये माना है, और अब देखो यहां b का मान 6 है, b बराबर कितना है यहां 6 है। तो यदि b का मान 6 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम तो यूक्लिड एल्गोरिथम से यह है कि यह हो जाएगा a बराबर 6q+r, तो यहां b का मान कितना है 6। तो आप लोगों को पता है 0 के बराबर r या उससे बड़ा, परंतु 6 से क्या होगा छोटा होगा, शेष पल का मान 0 के बराबर या 6 से है वो छोटा प्राप्त होगा। तो हम लोगों को पता है कि ये संभावित शेष पल हम लोगों को कितने प्राप्त हो जाते हैं, संभावित शेष पल तो छह से छोटे होंगे तो संभावित शेष पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हम लोगों को संभावित शेष पल प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां a का मान क्या हो सकता है 6q या 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या 6q+5, ये इसका रूप हो सकता है 6q+1, क्योंकि इसका शेषफल यहाँ कुछ नहीं है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम लोगों को दर्शाना यह है कि विषम पूर्णांक का रूप यह है। तो हम देखते हैं कि जिसका शेषफल 0, 2 और 4 है वो क्या होगा, सम संख्या के रूप में होगा, क्योंकि ये सब है वो 2 से विभाजित होगा, क्योंकि शेषफल 2 बच रहा है या 4 बच रहा है तो सबके अंदर, तो इसलिए 6q या 6q+2 या 6q+4 एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो अतः हम कह सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल है वो हम लोगों ने सिद्ध किया।
अब देखिए तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दो सदस्य एक 616 है और दूसरा है वो 32 है, परंतु इसमें शर्त क्या दी गई है, वो शर्त को ध्यान में रखना। तो दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना और स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या और समान मार्च करना है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है वो हमें सोचना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ज्ञात क्या करते हैं, वो SCF ज्ञात करते हैं, महत्तम समावर्तक, क्योंकि समान चाहिए, स्तंभों की संख्या भी समान चाहिए और अधिकतम संख्या चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि मान लो ये 9 और 3 का SCF यदि ज्ञात करते हैं तो 3 प्राप्त होता है, तो ये 3 प्राप्त होता है तो अधिकतम संख्या का भाग दिया, उसके बाद है जो पद हमारे पास है उसके अंदर वो समान संख्या का भाग है वो नहीं जा रहा है, तो अधिकतम संख्या का भाग दिया है, तो इसलिए इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, SCF ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है, या आप लोग दूसरी विधि चाहते हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो है वो ये सवाल है वो तुम लोगों को ही करना है, मैंने है वो समझाया है।